welcome to my kitchen today. Today I am making chorinu shak with dudhi. I know this is a combination which my grandma used to prepare. मेरी मम्मी की मम्मी है वो ये सब्जी बहुत अच्छी तरह से बनाती थी, तो मैंने सोचा आज क्यों नहीं उसकी ही याद में मैं ये सब्जी बनाऊं। उसका नाम था कासिबा। सो ये मैंने 2 कप्स जितना चोरी लिया है, ये देसी चोरी है। सो इसकी जो मैंने जो दाने हैं उसको मैंने निकाले हैं और कुछ कुछ जो पतले पतले थे उसको मैंने स्नैप किया हुआ है। और इधर मेरे पास दूधी है, ये भी देसी दूधी है, तो मैं इसको भी काट के इसके साथ मिला दूंगी। इसको छीलूंगी फर्स्ट और फिर इसको छोटे छोटे डाइस में मैं अभी इसमें आधी यूज कर रही हूँ। ये शायद मेरे ये पाम के साइज का ही है, पाम से ज्यादा है, मतलब इतना है। मैं इसको यूज करूंगी, अभी मैं इसको काटूंगी डाइस में। सो यहाँ पे मैंने इस सब चीज को धो के काट लिया है। ये 2 कप है और ये 3 कप है। अगर ये तो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। और मुझे आप कमेंट में बताना कि आपके घर पे ये सब्जी बनती है कि नहीं, ये दोनों कॉम्बिनेशन में बनती है कि नहीं। चलो मैं दिखाती हूँ इसको कैसे बनाते। ओके, मैं ये सब्जी मैं बहुत आसानी से बनती है, ये कुकर में ही बन जाती है। सो मैं इसमें अभी करीब एक टेबल स्पून तेल डालूंगी। और इसमें मैं ये खड़ी लाल मिर्ची डाल रही हूँ। आधा टीस्पून इसमें मैंने मस्टर्ड सीड डाला है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ। और इसके साथ मैं हींग डाल रही हूँ, ये करीब आधा टीस्पून के। और फिर मैं इसी में मैं हल्दी डाल रही हूँ ताकि इसमें अच्छा सा उसका कलर आ जाए। मैं इसका इसमें मैं ये सब सब्जी डाल देती हूँ। इसमें मैं 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च डाल रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे जो मैंने अपने जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट तैयार किया हुआ है, मैं इसमें करीब 1 और आधा टीस्पून डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं धनिया डाल रही हूँ। और मैं ये सबको मैं अभी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको इसमें ज्यादा वो कश्मीरी लाल मिर्च डालनी हो तो आप डाल सकते हो, पर मैं अभी इसमें नहीं डाल रही हूँ। ये कम से कम ऑयल में बन सकता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। मैं अभी 1 टीस्पून जितना डाल रही हूँ, फिर इसको चखूंगी बाद में। और इतना सा गुड़ डाल रही हूँ। और इसमें आधा कप के करीब मैं पानी भी डाल रही हूँ। वैसे तो दूधी में से पानी निकलेगा, बट ये सब्जी थोड़ी रसेदार होगी तो मजा आ जाएगा। सो ये अब मेरा रेडी हो गया है। मैं इसमें मैं कुकर या ढक्कन लगा दूंगी और ये 1 या 2 विसल तक मैं इसका वेट करूंगी। फिर इसके बाद मैं कुकर खोल के आपको दिखाती हूँ। ओके दोस्तों, अब ये हो गया है। मैंने 3 सीटी तक इसको मैंने आने दिया है और इसको मैंने ऐसे ही कुकर में ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसका विसल में अभी देखती हूँ, अगर इसमें कुछ हो तो मैं पहले इसको चेक करके
फिर मैं इसको अब खोल के दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे बना। ओ बन गया है, अच्छी तरह से पक गया लगता है। और इसको देखो, इसमें इतना सा ही पानी है और मुझे इतना पानी चाहिए है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मुझे रसेदार पसंद है। तो अब इसको मैं अब सर्विंग कर रही हूँ, सर्विंग बाउल में। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ये सब कुकर नहीं है आपके पास, तो ये आप ओपन पॉट में भी बना सकते हो। खाली उसमें आपको ज्यादा थोड़ा समय लगेगा पकने में, और शायद आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, डिपेंड आपके दूधी में कितना पानी है। देखो मैंने इसमें सर्विंग बाउल में डाल दिया इसको। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूंगी। अब ये तैयार है खाने के लिए। ओके, अब मेरा ये पूरा लंच मेन्यू तैयार हो गया है। सब्जी के साथ मैंने फुल्का रोटी गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ, पापड़ है, सैलड है। अभी मूली का सीजन जो चल रहा है, तो मैंने सोचा मूली भी काट के डालती हूँ इसमें। और ये है दाल, ये मूंग की दाल है तड़के वाली, और ये है कड़ी। तो हम गुजराती लोग इसको इस तरह से खाते हैं, मूंग की दाल को भात के साथ मिलाकर कड़ी उसमें डाल के खाते हैं। सो ये है मेरा आज का लंच, हेल्दी। आज मैंने जो ये जोड़ी और दूधी की सब्जी बनाई है, और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज बेल आइकॉन पर दबाना मत भूलिएगा। और जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपके घर पे ये सब्जी बनती है कि नहीं। और अब मैं अपना लंच एंजॉय करने जा रही हूँ। चलो बाय।